तो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया न्यूटन रैप्सन मेथड पे, सेकंड प्रॉब्लम। अब अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको इजिली, जो मैंने चार स्टेप्स बताया, उस चार स्टेप्स को फॉलो करते जाओ आप, और वो सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड, मतलब कि हम जो देख रहे थे हर एक इटरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यूज में डिफरेंसेस आ रहा था, यानी एरर आ रहा था। अब वो एरर हमारा कैसे चेंज होता है एक इटरेशन से दूसरे इटरेशन में, वो हम यहां से देखेंगे, यहाँ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड में। कहीं कभी ये हमें प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। क्या करना है हमें, हम अगर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड्स की बात करें, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा दो जो इटरेशन में एरर्स है उनमें क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं लेट लेट अल्फा बी द रियल रूट या एक्चुअल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। हमने मान लिया है अल्फा हमारा क्या है, एक्चुअल रूट है एफ ऑफ एक्स का। नाउ अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, हम पकड़ लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मेशन वैल्यू दैट इज एक्स एन एंड एक्स एन प्लस वन, ये दोनों जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है ये हमारा डिफर करता है अल्फा से, डिफर अल्फा बाय स्मॉल क्वांटिटी ई एन एंड ई एन प्लस वन रेस्पेक्टिवली। हमने बोल दिया यहां पे कि एक्स एन एंड एक्स एन प्लस वन मेरा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, और वो अल्फा जो हमारा रियल रूट था एक्चुअल रूट था उससे एक बार वैरी करता है एक्स ई एन से और ई एन प्लस वन से। तो हम अगर बात करते हैं तो एक्स एन प्लस वन हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस ई एन प्लस वन, एंड एक्स एन हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस ई एन, लिख सकते हैं हम लोग रूट प्लस एरर एंड रूट प्लस एरर। तो अब अगर हम एक्स एन प्लस वन की बात करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू, तो हमें पता है कि एक्स एन हमने क्या लिखा है अल्फा प्लस ई एन प्लस वन, और न्यूटन रैप्सन मेथड के हिसाब से एक्स एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, लिख सकते हैं। तो हम अब एक्स एन की अगर वैल्यू एक्स एन की बात करें तो हम एक्स एन की जगह पे अल्फा प्लस ई एन लिख सकते हैं। नाउ ई एन हो गया एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन, हम यहां पे भी लिख सकते हैं अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन हमने लिख दिया। अब अगर हमारे पास वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या था अल्फा प्लस ई एन प्लस वन, अल्फा और अल्फा का क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास बच रहा है ई एन प्लस वन, ई एन प्लस वन क्या है हमारे पास एरर, एंड इट इज इक्वल्स टू ई एन माइनस। अब हम इस टर्म को अगर हम टेलर सीरीज का इस्तेमाल करें तो टेलर सीरीज से हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ ऑफ एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर वन बाय टू फैक्टोरियल ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस डॉट 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 अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ डैश डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर वन अपॉन टू फैक्टोरियल ई एन स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश ऑफ अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। हम इस टर्म को लिख सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। हमारे पास हमने टेलर सीरीज का इस्तेमाल करके एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन एंड एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन को हमने एक्सपेंड कर दिया है।
तो अब अगर हम देखते हैं, सिंस हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इज अवर जीरो एंड अल्फा इज अवर एक्चुअल रूट, देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। सिंस इक्वेशन है, अल्फा इसका रूट है, तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह हम अल्फा अगर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा और ये हो जाएगा अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो हम अगर देखते हैं आगे, ई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ई एन माइनस, हम वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। एंड हम इस जगह पे एक टर्म और यूज करेंगे कि हायर वैल्यूज ऑफ ई एन, सिंस ई एन हमारे पास क्या है, ई एन हमारे पास एरर्स है और ये एरर्स छोटे क्वांटिटीज में है, अगर मैं इसकी हायर पावर निकाल लूंगा तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हायर हायर पावर ऑफ ई एन, हायर पावर ऑफ ई एन ग्रेटर देन टू कैन बी इग्नोर, कैन बी इग्नोर। तो हम इसका हम क्या कर देते हैं, हायर पावर ऑफ ई एन जो ग्रेटर है टू से, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, ई एन एफ, सिंस एफ ऑफ अल्फा हमारे पास हो गया जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा ई एन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस हाफ ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन, नीचे टर्म आ जाएगा एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। हम इस टर्म को लिख सकते हैं, यहां पे हमने इसको रोक दिया। तो अब नेक्स्ट हम इस स्टेप के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, मैं इसे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ जाएगा ई एन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा माइनस ई एन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं हमारा कुछ टर्म कैंसल हो रहा है, हमने इसको कैंसल कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा माइनस हाफ ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। तो हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा, लिख सकते हैं हम इसे। अब अगर हम इस टर्म्स में हम ये 1/2 और मैं यहां से एफ डैश ऑफ अल्फा को कॉमन निकाल लेता हूं, तो हमारे पास बचेगा एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा, मैंने कॉमन निकाल लिया, बचे कॉमन निकालने के बाद हमारे पास टर्म बचेगा 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा। फिर हम इस टर्म को लिख सकते हैं 1/2 ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा, एंड मैं इस वैल्यू को 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा टू द पावर -1 लिख सकते हैं। नाउ हम इसको और एक्सपेंड करते हैं, हम अगर स्पेशल सीरीज से इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगा, हमें स्पेशल सीरीज अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 यानी ई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा, एंड इसके भी हम हायर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस डॉट डॉट। तो हम
यहां पे हमें अब दिख रहा है कि ई एन प्लस वन क्या है हमारा सब्सिक्वेंट आगे वाला एरर, और ई एन हमारे पास क्या है प्रीवियस एरर। तो हमें इससे पता चल रहा है कि ई एन प्लस वन जो हमारा आगे का एरर है वो प्रीवियस एरर से क्या है स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में। तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, तो हमारे पास आया था ई एन वन अपॉन टू ई एन स्क्वायर एफ डैश एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा एंड वन प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा। मैंने हायर पावर्स इसको एलिमिनेट कर दिया यानी इग्नोर कर दिया है। जैसे हमें इसका एक्सपेंशन याद रहना चाहिए, हमें एक्सपेंशन होता है वन प्लस स्पेशल सीरीज का एक्स टू द पावर माइनस वन इज वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो मैंने ये हायर पावर्स को क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया है। तो अब हम यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये सब्सिक्वेंट एरर है और यहां पे जो एरर था, तो ये दोनों क्या हो रहा है स्क्वायर के इसमें टर्म्स में वैरी हो रहा है। तो हम कहेंगे दिस रिजल्ट रिजल्ट शोज दैट सब्सिक्वेंट एरर एरर वेरीज स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर, यानी सब्सिक्वेंट एरर जो आ रहा है ई एन प्लस वन वो हमारा प्रीवियस एरर से कैसे वेरी कर रहा है स्क्वायर से। सो वी कैन से न्यूटन रैप्सन मेथड इज सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, हेंस प्रूव्ड। तो हमने शो कर दिया है कि हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो क्या है सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है। थैंक यू।